फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैक ऑफ मेमोरीज एंड आल्सो वेलकम टू माय अंडमान टूर सीरीज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं अंडमान के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, अब चाहे वो पोर्ट ब्लेयर हो, चाहे हैवलॉक या नील आइसलैंड। तो फ्रेंड्स, आज हमारा अंडमान में चौथा दिन है और आज हम जाने वाले हैं नील आइसलैंड। तो हम आपको आज बताएंगे कि हैवलॉक से नील आइसलैंड जाने के लिए कौन कौन सी फेरी होती हैं और हम किस फेरी के थ्रू जा रहे हैं। वैसे तो आज हम जाने वाले हैं मार्क्रूज से और आपको दिखाएंगे वहां का पूरा डिफरेंट व्यू, साथ ही साथ हम आपको एक्सप्लोर करेंगे नील आइसलैंड के भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच और साथ ही साथ वहां का जो नेचुरल कोरल ब्रिज है वो भी आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह के एडवेंचर वीडियोस या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नील आइसलैंड की ओर। तो फ्रेंड्स, होटल से चेकआउट करने के बाद अब हम निकल चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है नील आइसलैंड। सबसे पहले हम जाएंगे सुराज द्वीप बोर्डिंग पॉइंट, जहां से हम फेरी लेंगे। वैसे तो यहां से काफ़ी फेरी जाती हैं, बट आज हम जाने वाले हैं मार्क्रूज फेरी से। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे बोर्डिंग पॉइंट की तरफ। वैसे तो यहाँ से काफ़ी फेरीज जाती हैं, जैसे मार्क्रूज, ग्रीन ओशियन और आईटीटी मजेस्टिक। और फ्रेंड्स, आप इन फेरीज़ की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और सबके प्राइजेस उनकी क्लासेस के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। हमारी जो फेरी है वो है मार्क्रूज, जिसका हमारा प्राइस है 1300 रुपये प्रीमियम क्लास का। बाकी अगर आप डिलक्स या रॉयल बुक करते हैं तो प्राइस डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर फेरी और टाइम कि आप किस टाइम जा रहे हैं और आपकी फेरी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे अभी हम मार्क्रूज से उतरे हैं और हम अभी हम निकल रहे हैं हमारे होटल की तरफ और हमारा ड्राइवर बाहर वेट कर रहा होगा। तो गाइस, बस चेक इन करते हैं हमारे इस होटल में और वहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे वहाँ जाके, देन आगे की जो भी लोकल साइट सीन होगा, जो बीचेस पे हमें जाना है उसका विजिट आपको जल्दी कराएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं नील आइसलैंड और कितना क्लीन वाटर है यहाँ का। फिश आपको इतना ऊपर से ट्रांसपेरेंट बिल्कुल दिख सकता है यहाँ पे। फिश तक कितना यहाँ से ऊपर से दिख रहा है, वाओ, इतना ट्रांसपेरेंट वाटर है, इतना डीप के अंदर भी इतना क्लीन दिख रहा है गाइस। सो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं यहाँ से नील आइसलैंड से हमारे होटल के लिए चेक इन करने और नितेश भैया ने आज हमें रिसीव किया है यहाँ पे, जो आप मिल सकते हैं नितेश भैया से, इन्होंने रिसीव किया है, यही हमें ड्रॉप एंड पिक करेंगे आज जो भी एक्टिविटी होगी।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हमने एंटर कर लिया है होटल में। और इस होटल में जाकर सबसे पहले हम करेंगे कंप्लीट चेक इन, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं चेक इन कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने होटल में चेक इन कर लिया है, ये होटल का स्विमिंग पूल है और काफ़ी ऑसम व्यू है होटल का। ये इस होटल में जितने भी रूम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। कुछ VIP रूम्स हैं, डिपेंड्स ऑन आप कॉस्ट जो आप लेते हैं रूम्स में। देख सकते हैं आप, मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ होटल का। ये होटल्स के हर्ट्स रूम हैं जिसके अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। रूम में भी हर्ट्स बने हुए हैं और सामने आप देख सकते हैं वो रेस्टोरेंट है। ब्रेकफास्ट करने के लिए आपको मॉर्निंग में जाना पड़ेगा, जिसकी टाइमिंग 7:30 to 9:30 है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हमारा अंडमान में चौथा दिन है और नील आइसलैंड में हमारा पहला दिन है, आज हम आपको लेकर जाएंगे भरतपुर बीच और लक्ष्मणपुर बीच, और साथ ही साथ आपको नेचुरल ब्रिज को भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, जिसका नाम है भरतपुर बीच। भरतपुर बीच नील आइसलैंड जेटी से 500 मीटर की डिस्टेंस पर ही है, जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ की वाटर एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। आसपास आपको काफ़ी फूड शॉप मिलेंगी, जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट और लंच भी कर सकते हैं। भरतपुर बीच नील आइसलैंड का एक ऐसा बीच है जहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। यहाँ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ का प्राइस वेंडर टू वेंडर डिफरेंट होता है, इसलिए आप वाटर स्पोर्ट के लिए ऑन द स्पॉट ही बात करें वगैरह दिखाएंगे, और हजारों हजार फिशेस का ग्रुप भी आपको इसी आइलैंड के बीच में दिखा देंगे हम लोग, ग्लास बॉटम बोट से जी, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्मॉकिंग में क्या करते हैं हम लोग, बोट से जाएंगे, जाने के बाद हम लोग सेंटर में लाइट हाउस के बाद जो स्मॉकिंग पॉइंट है वहाँ पे हम लोग रोक लेंगे बोट को। कौन सा पॉइंट है सेकंड वाला? वो देखिए लाइट हाउस के राइट के बाजू पे जो बोट खड़ी है वहीं पे लेके जाके बोट को लाइव फॉरेस्ट के ऊपर में रोक लेंगे। ठीक है, बात क्या करेंगे, आपको स्मॉकल फुल मास्क पहना देंगे, लाइव स्प्रिंग रहेगा, स्प्रिंग के अंदर आपको जाना है और चश्मे को फिर पानी में टच करना है, बगल वाली जो साइड होगी उस स्प्रिंग करते हुए घुमाएंगे। ओके, और तीसरा तो वाटर स्कूटर में क्या करते हैं हम लोग आप, ओके, और चौथा है बनाना रेड कैपेसिटी, तो 5 कैपेसिटी करेगा। ओके, सामने दो को बैठाएगी, पीछे गाइड रहेगा, उसके ऊपर हम लोग दूसरी बोट को लॉक कर देंगे, बोट को एक प्लेस पर पहले घुमाएंगे, उसके बाद आपको अंदर जाएगा पानी में गिरना या नहीं गिरना। अच्छा, पानी में गिरना है तो बीच को भी पलट लेंगे। ओके, उसके बाद आप आराम से खेलना है, फिर गाइड आपको अपने साथ ही रिटर्न। ठीक है, ये चारों राइड है, चार राइड है। यह बीच सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। इस बीच पर जाने और घूमने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती है, और आइडल बीच पर घूमने का समय 2 या 3 घंटे ही होता है। पानी के नीचे समुंदर काफ़ी गहरा होता है और इसी में मरीन लाइफ है। हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के कोरल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो इसे स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और ग्लास बॉटम बोट राइड जैसे वाटर स्पोर्ट को एंजॉय करने के लिए एक फेमस पॉइंट बनाता है। भरतपुर बीच सनराइज व्यू के लिए भी काफ़ी फेमस है, और आसमान में धीरे धीरे उगते सूरज और पानी में अपना रंग दिखाते हुए सुबह सुबह का एक नज़ारा देखने लायक होता है, इसीलिए भरतपुर बीच सनराइज और सनसेट के लिए भी काफ़ी फेमस है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारा दूसरा व्यू पॉइंट, जिसका नाम है नेचुरल कोरल ब्रिज।
अभी अब हम जा रहे हैं हमारा लास्ट व्यू पॉइंट, जिसका नाम है लक्ष्मणपुर बीच, जो कि फेमस है सनसेट व्यू पॉइंट के लिए। Thank you.